नमस्ते, टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत है। भारत में कोई भी प्रदेश हो, हर एक की अपनी एक दाल बनती है। क्योंकि मैं कारवार में हूँ, तो आपको मैं सिखाने वाली हूँ कारवार की स्पेशल दाल। सबसे पहले हम मसाला पीस लेते हैं जो दाल के लिए लगने वाला है। 3 टेबलस्पून ताज़ा बारीक कसा हुआ नारियल, 6 से 7 लाल सूखी मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स और थोड़ा सा पानी। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसकी फाइन पेस्ट नहीं बनानी है, इसे थोड़ा दरदरा ही रखना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। एक बर्तन में तेल लेते हैं, इसे गर्म होने देना है। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालते हैं 1 पिंच हींग, 1 टीस्पून राई, 10 से 12 कड़ी पत्ते, 1 मोटा कटा हुआ टमाटर। इसे मिक्स करना है। यहाँ मैंने 100 ग्राम तुवर की दाल ली है यानी कि अरहर की दाल। दाल पकी हुई है, इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया और पिसा हुआ मसाला। इसमें पानी डालेंगे और ये पूरा मसाला निकाल लेते हैं। हम ये दाल में डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। दाल थोड़ी मोटी ही रखनी है। अब इसे डाल देते हैं, अच्छे से मिला लेना है। अब डालेंगे स्वादानुसार नमक। उबालने तक हमें राह देखनी है। दाल उबल चुकी है, गैस बंद कर देते हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। कारवार स्पेशल दाल तैयार है। अब मैं डालूंगी मेरा फेवरेट धनिया। आप आपकी दाल तो बनाते ही होंगे, मगर ये दाल भी ट्राई करके देख लीजिए और कारवार का टेस्टी सफर देखते रहिए। ऐसे ही आसान रेसिपीज के लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है टेस्टी सफर को।